नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारा आज का टॉपिक है रेसिपी ऑफ सैंडविच। हमारे इस टॉपिक में हम आपको सिंपल सैंडविच और ओपन सैंडविच की रेसिपी बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल सैंडविच की रेसिपी। सिंपल सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के 2 स्लाइस, 1 अंडा बॉइल्ड, 1 टीस्पून बटर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सबसे पहले हम एक बॉइल्ड एग को छील लेंगे और फिर हम उसको स्लाइस करके उसको अच्छा सा बारीक चॉप्ड कर देंगे। जब बॉइल्ड अंडा अच्छे से चॉप्ड हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून मक्खन, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारे सैंडविच की स्टफिंग तैयार हो जाए तो हम ब्रेड के स्लाइस के किनारे काट देंगे और ब्रेड के स्लाइस पे हल्का सा बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद जो हमने अंडे का बैटर तैयार किया है स्लाइस पे, वो अंडे का बैटर सेट करेंगे और इसके ऊपर एक और स्लाइस रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे। हमारा सिंपल एग सैंडविच तैयार है। अब हम आपको बताते हैं चिकन सैंडविच बनाने की रेसिपी। चिकन सैंडविच बनाने के अज्जा, बोनलेस चिकन 1 पाव, लहसुन के जवे 4 चॉप्ड, हरी मिर्चें 3 चॉप्ड, नमक 1/2 टीस्पून, फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून, पानी हसबे ज़रूरत, मेयोनीज 1/2 कप, फाइनली चॉप्ड कैबेज 1 टेबलस्पून और ब्रेड के स्लाइसेस हसबे ज़रूरत। चिकन सैंडविच बनाने का तरीका। सबसे पहले हम एक कुकिंग पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और फिर उसमें हम चॉप्ड लहसुन और हरी मिर्चें शामिल करके हल्के से फ्राई करेंगे। जब लहसुन और हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें 1 पाव बोनलेस चिकन शामिल करेंगे और चिकन को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए। जब चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 ग्लास पानी शामिल करके पैन कवर करके चूल्हे की आँच हल्की करके चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन इतनी गल जाए कि स्पून मूव करने से भी रेशा रेशा होने लगे तो हम चिकन का रेशा कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम एक मिक्सिंग बोल में 1/2 कप मेयोनीज, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड कैबेज, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे जिस पे हम हल्की सी मेयोनीज लगा के ये मेयोनीज का बैटर अच्छे से सेट करेंगे और साथ ही इसके ऊपर चिकन भी फैला देंगे और इसके ऊपर एक स्लाइस रख के हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह हमारा मज़ेदार सा चिकन सैंडविच तैयार हो जाएगा। ये थी हमारी चिकन सैंडविच बनाने की रेसिपी। अगर आप सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाना चाहते हैं तो आप अपने ब्रेड के स्लाइस में कुछ भी स्टफिंग कर सकते हैं, मसलन कोई भी कबाब, दोनों स्लाइस के बीच में कोई भी कबाब रख दें या ऑमलेट रख दें और सैंडविच मेकर बंद कर दें। जब सैंडविच मेकर का स्विच ऑन होगा तो रेड और ग्रीन कलर की दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी। यानी रेड और ग्रीन कलर की लाइट जब ऑन हो जाएंगी तो सैंडविच मेकर में आपका सैंडविच तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ग्रीन लाइट ऑफ हो जाए तो इसका मतलब आपका सैंडविच तैयार है। आप स्विच ऑफ करके अपने सैंडविच को सर्व करके मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक रेसिपीज ऑफ सैंडविचेस। उम्मीद है आपने इन रेसिपीज से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ये मालूमती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।